नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं कपिल खाटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिस्ट ऑफ द हिंदू एंड अदर पॉइंट सोर्सेस। दिस इज 28th of June 2021 विद मी। 28 जून 2021 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह से डेली फॉलो करते रहेगा। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहती है हमेशा की तरह। आज भी हम क्लास कर रहे हैं। ओके, सो एक नई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूँ आप सभी के साथ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो चीज़ देख ली होगी। जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। पूरी डिटेल आपके साथ कल की वीडियो में शेयर की जा चुकी है। इस पूरे के पूरे बैच में मैं 1 to Z, A to 10, whatever you want to say, सब कुछ करवाऊंगा। करंट अफेयर्स डिटेल में, MCQs कराऊंगा, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। ये बैच है हमारा विजडम बैच, सुबह 6:30 बजे, तो मंडे से फ्राइडे सुबह 6:30 बजे ये मेरे दोनों के दोनों बैचेस चलेंगे। एक आरबीआई ग्रेड बी का और एक आपकी करंट अफेयर्स का बैच। राइट, करंट अफेयर्स नहीं कहूँगा, हम नाम देंगे उसको विजडम बैच आपका चलेगा यहाँ पर मेरे साथ। ये कॉम्बो ऑफर अवेल कर लीजिएगा। दिस इज द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, प्राइस आपके सामने है, इसको अवेल कर लीजिएगा। आपकी सारी चीज़ें आपको एक जगह ही यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर केला बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये प्राइजेस है, अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आपके सामने ये प्राइजेस है, जैसे आपको सही लगे। All set, let's crack it, let's start with this session. First news आपकी आई है, इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि 2022 में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। आईएनएस विक्रांत इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है आपको? आईएनएस विक्रांत, राइट। सो आईएनएस विक्रांत इज द नेम इज गिवन 2022 as per Defence Minister Rajnath Singh. India का पहला indigenous aircraft carrier named the INS Vikrant will be commissioned in 2022. INS Vikrant is also called as indigenous aircraft carrier 1. This aircraft carrier is being constructed by the Cochin Shipyard in Kochi, Kerala. Okay, so ये आपका Cochin Shipyard कोची केरला में इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। INS Vikrant इसको कहा गया है, नाम दिया गया। इंडिया में ही बनाया गया इंडिजिनियस, इंडिया का पहला बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन्स वगैरह वो यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये आगे इसकी एक लंबी सी चोंच सी निकली हुई है। जो ये चोंच जो है ये आपका हवाई जहाज जो है, एयरप्लेन जो है, इनकी उड़ान के लिए यूज़ किया जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ पे देखी होगी ये चीज़, जो कि आपकी ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफर करेगा। और ये इंडिया का खुद के द्वारा बनाया गया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा 2022। ओके, हाल ही में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने इस एरिया जहाँ पर ये बनाया जा रहा है उसको यहाँ पर विजिट किया। ओके, कोचीन शिपयार्ड में यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसको विजिट किया और देखा कि कब होगा, कैसे होगा, रिव्यू किया इसकी प्रोग्रेस को यहाँ पर। इट इज़ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया। इसका मोटो क्या दिया है? इसका मोटो दिया गया है जेमा समयुद्धि स्पर्धा। ओके, ये आपका इसका दे रखा है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने इसके अलावा यहाँ पर एक एरियल सर्वे भी कंडक्ट किया इसी मौके पर, जिसको नाम उन्होंने दिया नेवी का प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है उसके बारे में। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं आईएनएस कदम्बा के द्वारा अंडर दी नेवी के प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत, उसका यहाँ पर एरियल सर्वे किया गया है। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन जो आपके इसमें से पूछे जाएंगे, सबसे पहले इंडिया के इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम पूछा जाएगा। नाम है आईएनएस विक्रांत। कब ये कमीशन किया जाएगा? 2022 ईयर पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर बनाया जा रहा है? कोचीन शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मोटो आपसे पूछा जा सकता है, ऋग्वेद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट सी बर्ड इज रिलेटेड टू इंडियन नेवी, इंडियन नेवी से रिलेटेड ये आपका एक प्रोजेक्ट है। आगे चलते हैं हम, जो कि आई है डेनमार्क से। डेनमार्क ने अभी हाल ही में साइन किया है एग्रीमेंट ऑन दी आईएसए। आईएसए क्या है? आईएसए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के से साथ जुड़ा है यहाँ पर डेनमार्क। उन्होंने उसका एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन कर लिया है। ये साइन किया है यहाँ पर डेनमार्क ने, signed the framework agreement of the International Solar Alliance framework agreement and the instruments of ratification with India. रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन आपका एक शब्द, ऐसा एक शब्द है जो कि आपका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को यहाँ पर अप्रूव करने के लिए जो आपने अपने से पहले साइन कर दिया है बियॉन्ड पावर। ओके, बियॉन्ड पावर कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरी किसी चीज़ की एक क्षमता है, किसी चीज़ को एक साइन करने की वो क्षमता है मेरी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरी एक 5 चीज़ें साइन करने की क्षमता है मेरी, ठीक है, 5 पेपर साइन करने की क्षमता है। एक मेरे को ऑथोरिटी दे रखी है कि भाई साहब आप 5 चीज़ों पर, इन चीज़ों को आप साइन कर सकते हो, बट मैं 5 के बजाय 8 चीज़ों पर साइन कर देता हूं, ठीक है। तो लेटर ऑन अब ये जो 3 एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें यहाँ पर एक्वायर की हैं, 3 एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं, उसकी यहाँ पर परमिशन मुझे फर्दर लेनी पड़ेगी हायर अथॉरिटी से। और जब ये परमिशन बाद में लेटर ऑन ली जाती है हायर अथॉरिटी से और उस चीज़ को जब हायर अथॉरिटी अप्रूव कर देती है उसको हम रेटिफिकेशन कहते हैं। अगर इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो रेटिफिकेशन क्या हुआ? ये हुआ अगर हम किसी भी बाहरी कंट्री से किसी भी तरह का समझौता कर लेते हैं, एक बार को तो समझौता कर लिया जाता है बट लेटर ऑन उस समझौते को आपके कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कैबिनेट कह लीजिए, पार्लियामेंट कह लीजिए, उसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। जब तक वो मंजूर नहीं करती तब तक वो जो संधि दो देशों के बीच में की गई या फिर कोई भी एग्रीमेंट अगर इंडिया ने साइन किया है वो एग्रीमेंट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उसको नहीं किया जाता। तो यानी कि पहले जो साइन किया गया एग्रीमेंट वो इंडिया के बियॉन्ड था, इंडिया ने जो भी मिनिस्टर ने उसको साइन किया वो उनकी पावर में नहीं था। तो ऐसी चीज को उनके द्वारा एक रेक्टिफिकेशन करवाया जाता है जिसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सो ये एक रेक्टिफिकेशन डेनमार्क के द्वारा भी यहाँ पर अप्रूव किया गया इंडिया के साथ जो उन्होंने किया था। सो एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन यहाँ पर, चलो पहले आगे बढ़ लेते हैं। डेनमार्क की ऐसी बनी है पहली कंट्री जिसने रेटिफाई किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आफ्टर अमेंडमेंट्स टू इट एंटर्ड इनटू फोर्स। यानी कि आईएसए फ्रेमवर्क में कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट्स आए थे और इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया है डेनमार्क ने और इसी के साथ वो पहली कंट्री बना है इस तरह से, इस अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करके उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने वाला, यानी कि उनके जो कंट्री है अंदर कंट्री में यहाँ पर उस एग्रीमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। आईएससी की बात करूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसे 120 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं जो कि आपकी मोस्ट ऑफ देम आर सनशाइन कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती हैं। ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो कंट्रीज आती हैं वो यहाँ पर आपकी कहलाती हैं आपकी सनशाइन कंट्रीज। इनको सूर्य पुत्र भी कहा गया है, समथिंग लाइक दिस, सूर्या सूर्या करके कुछ नाम इसको कहा गया था, संबोधित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब ये आपका लॉन्च की गई थी आईएसए। आईएसए का हेडक्वार्टर आप सभी को याद होगा गुरुग्राम में है, हिंदुस्तान में है। एंड ये ISAFA जो कि ओपन हुआ था फॉर सिग्नेचर्स इन मेरारक, मोरक्को इन नवंबर 2016 एंड इट वॉज ज्वाइन बाय दी 200 कंट्रीज के द्वारा ये ज्वाइन किया गया था। दिस इज दी ISA फ्रेमवर्क। एक है ISA को ज्वाइन करना, एक है ISA के फ्रेमवर्क को ज्वाइन करना। ओके, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को ज्वाइन करना यानी कि उनके बातों से वो आपके एग्री करते हैं और ये ISA है उनका मेंबर बनना। मेंबर हैं 120 कंट्रीज बट ISA के जो आपके सिग्नेटरीज हैं वो जो FA है जो उनका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको सिग्नेटरी हैं 200 कंट्रीज। कंफ्यूज मत होइए कि एग्जाम में दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं और एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन में ऐसा ही लिखेगा how many have joined ISAFA since 2016। राइट आंसर उसका 200 रहेगा बट मोस्ट ऑफ यू जो क्लिक करके आओगे वो 120 करके आओगे जो कि आपका आंसर आते हुए भी आप गलत कराओगे। ध्यान रखिएगा, ISA framework and the ISA both are different thing and recently the Denmark has become the first country जिन्होंने इस IFA framework agreement को यहाँ पर रेटिफाई किया, साइन किया और इंडिया के साथ इसको मंजूरी दी गई है। राइट, ओके, चलिए आगे चलते हैं जापान की तरफ। जापान से न्यूज आई है, जापान क्या करने जा रहा है? जापान यहाँ पर इंडिया को $10 मिलियन की मदद पहुंचाने जा रहा है। जी हाँ, $10 मिलियन की मदद यहाँ पर कौन पहुंचाएगा? जापान पहुंचाएगा। और ये किस लिए किया गया है? ये कोविड-19 की जो वैक्सीन्स हैं उनको यहाँ पर स्टोर, सेफली स्टोर, यहाँ पर कोल्ड चेन, ऐसी फैसिलिटीज, कोल्ड चेन हाउसेज, कोल्ड चेन वेयर हाउसेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन्स को सेफली स्टोर रखने के लिए ज़्यादा टाइम तक वो यहाँ पर सही रहें, $10 मिलियन जापान के द्वारा इंडिया को दिया गया है। जापान ये मदद आपकी पहुंचाएगी इंक्लूडिंग मेडिकल इक्विपमेंट लाइक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, एंड ये फैसिलिटी आपकी दी जा रही है यहाँ पर इंश्योर करने के लिए कि वैक्सीनेशन हर एक कंट्री तक पहुंचे थ्रू दी यूनिसेफ। यूनिसेफ भी इसमें आपका इन्वॉल्व है। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंट्री इंडिया को कितने मिलियन डॉलर प्रोवाइड कराएगी फॉर बिल्डिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज? राइट आंसर जापान रहेगा और दूसरा ब्लैंक जो मैंने अभी बोला उसका आंसर $10 मिलियन रहेगा। एग्जाम पॉइंट से $10 मिलियन याद रखिएगा और जापान याद रखिएगा, दोनों में दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली खबर है हमारी गोवा से आई है। गोवा यहाँ पर बना है पहला स्टेट जो कि रेबीज फ्री हो चुका है। रेबीज किससे होता है? रेबीज आपके एक डॉग के काटने से होता है। डॉग के काटने से होता है आपका रेबीज। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको कभी ना किसी डॉग ने भाव कट किया है। ओके, कट किया है यानी काटा है उनको, ठीक है। सो ये है आपके फर्स्ट रेबीज फ्री। और उसके बाद आपके बहुत साल पहले तो बहुत सारे इंजेक्शन लगते थे, अब खैर इतने नहीं लगते। सो गोवा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया फाइनली दैट द गोवा हैज बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। इंडिया का पहला रेबीज फ्री स्टेट कौन सा बना है? गोवा बना है। जी हाँ, गोवा हैज बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। एंड अब तक उन्होंने लास्ट 3 सालों में किसी भी तरह का एक सिंगल रेबीज केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट मिशन रेबीज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड दिया था इसके लिए। एंड गोवा ने वैक्सीनेट किया जा चुका है 540593 डॉग्स को। ऑब्वियस है रेबीज किस लिए होता है? रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। अगर कुत्ते के अंदर जो उसके वायरसेस हैं उस तरह के जो कि उसके काटने से हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, अगर मैं डॉग को ही वैक्सीनेट कर दूंगा तो फिर उसके अंदर रेबीज वाले वायरस बचेंगे ही नहीं। राइट, सो ये चीज आपकी की गई है। अगेंस्ट द रेबीज है गोवा हैज वैक्सीनेटेड इतने डॉग्स अगेंस्ट द रेबीज एंड एजुकेटेड नियर ए लाख पीपल इन डॉग बाइट प्रिवेंशन अक्रॉस द गोवा। पंजी भगत सिंह कोश्यारी एंड प्रमोद सावंत उसके चीफ मिनिस्टर हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम केरला KAVAAL Plus प्रोग्राम। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन केरला डिसाइड किया है KAVAAL Plus प्रोग्राम टू 5 डिस्ट्रिक्ट। 5 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर KAVAAL Plus प्रोग्राम लॉन्च किया है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट इन 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था जो कि थी तिरुवनंतपुरम एंड दी पलक्कड़। इन 2 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था सन दिसंबर 2020 में। ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी। वाज लॉन्च बिकॉज 15 होम्स ऑफ चिल्ड्रन इन Kerala account for about 500 inmates and leave 96% of high-risk children in need of the support and protected in community. Basically ये project या फिर KAVAAL Plus program है क्या? ये KAVAAL Plus जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आपका केरला का है जिसमें अब उन बच्चों को सपोर्ट किया जाता है जिनको किसी भी तरह की मदद प्रोटेक्शन की जरूरत है और टू सर्वाइवर्स ऑफ दिस सेक्सुअल अब्यूज, उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती हुई है उसके लिए उनको सपोर्ट किया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। और ये प्रोग्राम यहाँ पर उन सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है जो किसी घर में रहते हैं, मतलब खुद के घर में या फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रहते हैं। और ये यहाँ पर 15 होम्स ऑफ चिल्ड्रन इन केरला अकाउंट और 500 इनमेट्स, ये आपका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है। यहाँ पर आपका बच्चों को अलग से रखा जाता है एंड ये आपका केरला के द्वारा 5 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। राइट, सो दिस इज द न्यूज। केरला में लॉन्च किया गया है KAVAAL Plus प्रोग्राम को। नेक्स्ट चलते हैं हम डीआरडीओ ने क्या किया है? निर्भय नाम की मिसाइल को शूं किया है। क्या किया है? निर्भय नाम की मिसाइल को शूं करके उड़ा दिया है। टेस्ट फायर किया है। कहां पर किया है? चांदीपुर ओडिशा में किया है। कहां पर किया है? चांदीपुर ओडिशा में किया है। जी हां, चांदीपुर ओडिशा में किया है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। किसको किया है? निर्भय को किया है। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है। क्या है? क्रूज मिसाइल है। इंडिया का पहला खुद के द्वारा बनाया गया जो कि बनाया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट विच कम्स अंडर दी डीआरडीओ के तहत आता है। ये 1000 किलोमीटर की रेंज है। 3 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, दैट इज लैंड, सी एंड एयर, हवा पानी जमीन। तीनों से लॉन्च किया जा सकता है इसको। ये है आपका निर्भया मिसाइल, क्रूज मिसाइल, पहली इंडिया की एडीई के द्वारा डीआरडीओ के साथ काम करते हैं। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता है एंड हवा पानी एंड दी आसमान, हवा पानी एंड दी जमीन, तीनों पे यहाँ पर ये किया जा सकता है। अगली खबर है हमारी किरण रिजिजू साहब। किरण रिजिजू साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके स्पोर्ट्स वाले हैं, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं आपके, इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है इनको। इन्होंने लॉन्च किया है ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। जी हाँ, लक्ष्य आपके सामने है, आपको तो हिट करना है बुलजाई पर। कहां पर हिट करना है? बुलजाई पर। अगर आप बुलजाई पर हिट करते हो तो डेफिनेटली वो सीट आपकी ही है, बट वो देखना पड़ेगा आप बुलसाई पर हिट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, बुलसाई पर आप हिट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है, ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। बट यहाँ पर बुलसाई पर एक ही इंसान हिट कर सकता है, वही इंसान हिट कर सकता है, एक नहीं कहूंगा, वही हिट कर सकता है जिसका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ना हो, इधर नहीं देखना, सीधा देखना है। और वी हैव टू हिट ऑन द बुल्स आई एंड यस, आई एम डैम श्योर माय बडीज, माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, यू कैन डू इट। लक्ष्य तेरे सामने है, जिंदगी तेरे सामने है, लक्ष्य तेरे सामने है, जिंदगी तेरे सामने है। अब उसका तो मुकाबला किस तरह से करता है ये तू जानता है या वो खुदा जानता है। ओके, सो ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स और द समर गेम्स 23 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में होने जा रहे हैं ये आपके टोक्यो ओलंपिक्स समर गेम्स। सॉन्ग को गाया है और कंपोज किया है सिंगर मोहित चौहान ने। जी हाँ, सिंगर मोहित चौहान जो है काफी फेमस, बहुत ही सुरीली आवाज, मधुर आवाज के यहाँ पर है इनकी, मोहित चौहान जी की, इनके द्वारा गाया गया है, कंपोज किया गया है। इसको लॉन्च किया गया, एक इवेंट हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक डे एट द JLN, दैट इज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यहाँ पर लॉन्च किया था। सो दिस इज द किरण रिजिजू लॉन्च इंडियाज ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है, लक्ष्य तेरे सामने है। और जो पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करता है, इसने सैंक्शन किए फंड्स 1860 करोड़ के। कितने किए हैं? 1860 करोड़। याद रखिएगा, IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करता है, 1860 करोड़ रुपीस किसके लिए दिए गए हैं? सॉल्ट प्रोग्राम के लिए दिए गए। सॉल्ट प्रोग्राम क्या है? सॉल्ट प्रोग्राम यहां पर है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। जी हाँ, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, दैट इज द सॉल्ट। सॉल्ट यहां पर है पूरा नाम, अच्छे से याद रख लेगा। सपोर्ट कर रहे हैं आंध्रा को, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, कुछ ना कुछ एक चेंज लेकर आ रहा है आपके लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन में। 1860 करोड़ रुपीस साल्ट प्रोग्राम टू आंध्र प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश के लिए। ओके, यहाँ पर आंध्र प्रदेश आएगा, मैंने प्रोग्राम लिख दिया, दिस इज दी आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये बेसिकली क्या है, इसमें यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, स्कूल मैनेजमेंट, बेसिक एजुकेशन में, एंड यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स को कुछ चेंजेस लाना, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ ऐसे नए इंप्रूवमेंट्स लाना ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा खासा कर सकें, आपका अच्छी जगह पर पहुँच सकें इन फ्यूचर। सो एग्जाम पॉइंट से सॉल्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कौन से स्टेट का है ये पूछा जा सकता है, कितना पैसा दिया, 1860 करोड़ दिया, किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ओके, चल नेक्स्ट चलते हैं हम। वेस्ट बंगाल ने इंप्रूव किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। स्टूडेंट, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो कभी स्टूडेंट थे, खैर आज भी मैं स्टूडेंट हूं, ऐसा नहीं है, हम भी पढ़ते हैं तभी आपको पढ़ा पाते हैं। ऐसे कोई आसमान से तो ऊपर से खुदा तो नहीं हमारे दिमाग में डाल देता कि आज इसको इस तरह से पढ़ाना है। ये सब हमें भी पढ़ना पड़ता है और हम भी आज की डेट में स्टूडेंट हैं, आप भी आज की डेट में स्टूडेंट हैं। बस फर्क इतना है कि हम पढ़कर आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमें पढ़ रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं। एक ना एक दिन ये सिचुएशन भी हो सकती है कि कभी आप मेरी जगह लें और आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को अपना जो ज्ञान है, अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करें, और बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही अच्छा दिन होगा जिस दिन आप इस तरह से अपनी नॉलेज को लोगों के साथ बांटना शुरू करोगे। वेस्ट बंगाल के कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किसने लॉन्च की है? वेस्ट बंगाल के कैबिनेट। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये स्कीम आपकी इंप्लीमेंट एंड लॉन्च की जाएगी 30 जून 2021 यानी कि परसों 30 जून 2021 को। अंडर दिस स्कीम स्टूडेंट्स को यहाँ पर सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, यानी कि प्यारा सा लोन दिया जाएगा, पुचकारा सा लोन दिया जाएगा, क्यूट सा लोन दिया जाएगा। आला मेला बेबी 10 लाख लोन ले लो, है ना। सो यहाँ पर 10 लाख का लोन, पारा लोन दिया जाएगा 10 लाख का विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड टू एनरोल इनटू द हायर स्टडीज। उनको यहाँ पर अपनी हायर स्टडीज करनी है, उसके लिए 10 लाख रुपए का यहाँ पर लोन दिया जाएगा। ये किया जाएगा आपका वेस्ट बंगाल के द्वारा। वेस्ट बंगाल के द्वारा ये चीज की गई है, 10 लाख का लोन हायर स्टडीज के लिए, और ये आपका इंडिया में पढ़ने के लिए या फिर फॉरेन में जाने के लिए दिया जाएगा। लोन्स विल बी गिवन एट 4% इंटरेस्ट रेट, 4% ब्याज दर पे ये लोन दिया जाएगा। एंड उन लोगों को, उन बच्चों को जो कि 10 साल हो गए वेस्ट बंगाल में रहते हुए, लोन विल बी अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल स्टडी। 1% इज एलिजिबल टू गेट लोन्स अंडर द स्कीम टिल 40 साल की एज तक आप इस लोन को अवेल कर सकते हो। एंड स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड 15 इयर्स टू रीपे द लोन आफ्टर दे गॉट द जॉब। ओके, 15 साल में उनको ये चुकाना पड़ेगा। लोन के फॉर्म में 10 लाख रुपए कौन देगा? वेस्ट बंगाल देगा। नाम क्या है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम नाम है। कितना ब्याज देना पड़ेगा? 4% ब्याज देना पड़ेगा। कितने सालों में चुकाना है? 15 वर्षों में इसको यहाँ पर चुकाना है। और कितने वर्षों तक मैक्सिमम इसको मिलेगा? ये मिलेगा 40 वर्षों तक आपको मैक्सिमम मिल सकता है। उम्र आपकी 40 वर्ष हो सकती है। और यहाँ पर किस किस को मिलेगा? ऐसे बच्चों को मिलेगा जो 10 साल वेस्ट बंगाल में आपके गुजार चुके हैं। राइट, ओके, चलो आगे चलते हैं। चाइना टू रन फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन तिब्बत। सो तिब्बत में यहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी, ये कहा है चाइना ने। चाइना ऑपरेशनलाइज पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन हिमालयन रीजन ऑफ तिब्बत। द इलेक्ट्रिक ट्रेन विल कनेक्ट प्रोविजनल कैपिटल ल्हासा विद द नाइंगची। ल्हासा को नाइंगची से जोड़ेगा यहाँ पर। जी हाँ, ये नाइंगची को ल्हासा से जोड़ेगा। ये है आपकी तिब्बत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चाइना के द्वारा। ये रास्ता है 435.5 किलोमीटर का, जो कि है आपका सिचुआन तिब्बत रेलवे में। ये इनॉग्रेट किया जाएगा 1 जुलाई को यहाँ पर। एंड ये आपका बहुत ही नजदीक है अरुणाचल प्रदेश के। और इवन चाइना ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर तिब्बत का हिस्सा, और तिब्बत को तो चाइना पहले से शुरू से अपना हिस्सा ही मानता है। ठीक है, ओके। सो ये है सिचुआन तिब्बत रेलवे इज अ हाई एलिवेशन रेलवे अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, सो ये आपकी सबसे हाई एलिवेशन रेलवे है। कनेक्ट करेगी यहाँ पे, कनेक्ट करती है चेंगडू एंड द ल्हासा को यहाँ पर। 16298 पूरा का पूरा एरिया है ये, और उसमें से ये छोटा सा पार्ट जो कि ल्हासा निंगचाई का था। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ। चाइना की बाकी ट्रेन्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ रेलवे कॉल्ड द चिंगदू यान केम इनटू ऑपरेशन 2018 में। फिर अब ये 2015 में यहाँ पर 21 में यहाँ पर आया है। और फाइनल एक और सेगमेंट यान निंगची का, ये आपका 2030 में कंप्लीट होने का पूर्णतया अनुमान है। 1 जुलाई को ये इनॉग्रेट किया जाएगा। यहाँ पर ये लाइन्स ओपन कर दी जाएंगी। ठीक है, चलो राइट, चल आगे चलते हैं। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी हाँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने, वही व्हाट्सएप जिसने आपको जितना ज्यादा सवारा है उससे ज्यादा कहीं बिगाड़ के रख दिया है। ओके, सो व्हाट्सएप, पहले के जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था तो बाबू सोना से बात करने के लिए फोन पे बात करनी पड़ती थी, जिसके लिए आप मम्मी पापा से छुपकर ज्यादा देर बात नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो थोड़ी सी लिमिटेशन होती थी। अब जब से व्हाट्सएप आया तो बाबू सोना से बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं। फ़ोन पे कॉल के बजाय व्हाट्सएप ही चलता है। और अगर मम्मी पापा पूछे क्या कर रहा है तो मैं कपिल सर की करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है, ये बहाना लगा दिया जाता है, ये चीज आपकी हो जाती है। तो क्योंकि आजकल उंगलियां तो बहुत जल्दी चलती हैं, नीचे से ऐसे स्वाइप किया और कपिल खाटपाल सर की क्लास आ जाती है फटाफट, है ना। तो वो चीज आपकी मेरी क्लास की यार्ड में जो तुम व्हाट्सएप पे काम करते हो वो करना बंद कर दो, तभी बुलसाई पर हिट कर पाओगे। सो एनएसडीसी एंड व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। एनएसडीसी एंड व्हाट्सएप ने मिलकर लॉन्च किया है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के तहत पार्टनरशिप ऑफ एनएसडीसी एंड व्हाट्सएप दोनों आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर व्हाट्सएप डिजिटल स्किल अकेडमी, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशन, ये तीनों चीजें यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। इन दोनों के थ्रू, इन दोनों के मदद से, इन दोनों के टाइप से यहाँ पर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम इसके लॉन्च किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर इंडियन यूथ्स को यहाँ पर कुछ डिजिटल स्किल सिखाई जाएंगी, ताकि वो यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल कैसे बन सकते हैं या फिर आपके कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चीज आपकी की गई है। इन ऑर्डर टू मेक देम एम्प्लॉयमेंट रेडी अंडर दिस प्रोग्राम, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वुड बी कोर्स टू कंज्यूम डिजिटल एंड ऑनलाइन स्किल्स. These skills would culminate with the Digital Skill Championship certification by WhatsApp and the NSDC. ये आपकी इम्पार्ट किया जाएगा किसके थ्रू? WhatsApp प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इनफीस्पार्क के थ्रू। इनफीस्पार्क जो कि WhatsApp का इस प्रोजेक्ट को देखेगा। NSDC, WhatsApp तीनों के तीनों यहाँ पर टाई अप, स्किल अकेडमी, ट्रेनिंग सेशन, PMKK ये किया जाएगा और इनफीस्पार्क का नाम भी याद रख लेना इसमें, राइट। ओके, चलो आगे चलते हैं। ट्विटर रेजर पे टाई अप फॉर द टिप जार फीचर। ओके, सो यहाँ पर ट्विटर जो आप ट्वीट करते रहते हैं, ठीक है, ट्विटर ने आज क्या किया, ट्विटर ने आपका बहुत ही एक अलग सी चीज खेल गई, जिसमें उन्होंने इंडिया में भाई साहब जो इंडिया का जो एक्वायर्ड एरिया है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, उसको भी यहाँ पर हटा दिया। उसको यहाँ पर उन्होंने दिखाया ही नहीं, भारतीय मैप में, भारतीय मानचित्र में दिखाया ही नहीं, उसको सेपरेट पोर्शन ही दिखा दिया ट्विटर ने। सो ये आज बड़ा कर्मकांड किया ट्विटर ने। सो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हैज पार्टनर विद द फर्स्ट पेटीएम ऑपरेटर रेजर पे। ओके, तो जैसे आप स्कूल में बहुत बड़ा कर्मकांड करते तो आपके पापा मम्मी को बुलाया जाता ना, बोला जाता था, कहते आपको पता है आपके बेटे ने आज क्या गुल खिलाए हैं, आपके पापा वाह क्या बेटा क्या हुआ फिर, बढ़िया नंबर आज बढ़िया है, टेस्ट में पास हुए, मार्क्स में टॉप किया। नहीं अंकल जी, नहीं साहब जी, नहीं सर जी, जो भी बोलते थे आपके प्रिंसिपल टीचर, ओके ये आज ये डैश 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 इसने किया है, ठीक है, ये तो बस बच गया, नहीं तो डैश 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 हो जाती, ठीक है। सो ये डैश डैश अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो जो भी आपने स्कूल में कर्मकांड किए थे, ठीक है। तो फिर ये पड़ती है जोर से लताड़ आप सबको, ठीक है, पड़ी होगी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर, और आज याद भी आ रही होगी, और लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता आपके ऊपर, कोई असर दिखाई नहीं दे रहा कोई भी आपके ऊपर। ओके, वही ट्विटर पे लगे रहते हो, हैशटैग चलाओ भी, कैंपेन चलाओ, ये चला दो, वो चला दो, यही चलाते रहते हो। ट्विटर यहाँ पर पार्टनरशिप किया फर्स्ट पेमेंट ऑपरेटर रेजर पे के साथ। रेजर पे याद आ रहा होगा, आप स्टडी नीति के मॉक टेस्ट खरीदते हो ना, खरीदे कि नहीं खरीदे? नहीं खरीदे, खरीद लो, क्यों नहीं खरीदे अभी तक? स्टडी नीति के मॉक टेस्ट बढ़िया नहीं है? बहुत बढ़िया है ना। 500 रुपीज में मिलता है, एनुअल पैकेज मिलता है, और पूरे साल के जितने भी मॉक टेस्ट, जितने भी एग्जाम आएंगे, सबके मॉक टेस्ट मिलते हैं, और अलोंग विद दैट क्रैकर क्विज सीरीज फ्री मिलती है। पता है तेरे को क्रैकर क्विज सीरीज? उसमें क्या होता है, उसमें 50 डेज 40 डेज इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं टाइमर के साथ, क्विज फॉर्म में मिलता है। बड़े मैं कहता हूँ, मैंने लगाया, मैंने 500 रुपये दिया, और मुझे आज की डेट में 3 से 4 हज़ार रुपये का, मतलब कि जो कोस्टिंग मुझे लग रहा है ना, कितना मटेरियल मैं इकट्ठा करता हूँ, मेरे 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं, आज मुझे सिर्फ 500 रुपये देने पड़ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। 500 रुपये मैंने दिए और मुझे इतना कुछ फ्री में मिल रहा है, बहुत कुछ है मतलब। और सर कोई भी स्कीम लॉन्च करते हैं ना, उसमें जो भी एनुअल मॉक टेस्ट यूजर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमेशा देते रहते हैं, है ना। तो जल्दी से जाके तू भी जाके खरीद ले, फटाफट खरीद ले, देर मत करना। और जैसे studyneeti.com पे जाएगा, वहां पर एनुअल प्लान में जाना, 500 रुपये पे करना, जैसे पे नाउ पे क्लिक करेगा रेजर पे की विंडो खुलेगी। वो रेजर पे क्या होता है? रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू पेमेंट जो है पहले रेजर पे के पास जाती है, और फिर एनुअल मॉक टेस्ट मुझे मिल जाता है, और एनुअल मॉक टेस्ट जो मिलता है उसके बाद रेजर पे क्या करता है, कपिल सर को पेमेंट कर देता है। तो वो एक पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू जो पेमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, और तुझे पता है एक और अच्छी बात है, ये जो मॉक टेस्ट है ना, इसमें आपका बहुत ही शानदार लेवल के ऐप में भी अवेलेबल है और वेबसाइट पे अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और ये मत सोचना कि सिर्फ 500 रुपये कीमत बहुत कम है यार, बेकार होगा, ये होगा, नहीं। अरे देख कर तो देख एक बार, फ्री वाले देख कर तो देख, बहुत मजा आएगा तेरे को। ठीक है, ओके डन, ओके बढ़िया, आज ही ले लेना। और जो अगर बुधवार से पहले खरीद लेगा ना, उसको RRB क्रैकर क्विज सीरीज क्लर्क वाली फ्री मिल रही है, ऑफर आ चुका है। ठीक है, तो वो भी फटाफट ले लेना फटाक से। ओके चलो, रेजरपे और ट्विटर ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेमेंट ऑपरेटर टिप जार फीचर यहाँ पर किया है। इट ओपन एक्सेस टू द टिकटेड स्पेसेस एंड सुपर फेलोज। टिकटेड स्पेसेस एंड सुपर फेलोज दो नए उन्होंने इनिशिएटिव या दो नए फीचर्स लॉन्च किए। ये दोनों फीचर्स क्या है? मोनेटाइजेशन फीचर्स है। मोनेटाइजेशन फीचर्स है, यहाँ पर इनको पैसा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा। कैसे पैसा दिया जाएगा? टिकटेड स्पेसेस जो है, इसमें यहाँ पर क्या किया गया है, एंड विल अलाउ क्रिएटर्स टू चार्ज फॉर ट्विटर्स लाइव ऑडियो रूम्स। ओके, ट्विटर के आप लाइव जो आपका होता है उसमें अगर कोई भी किसको कनेक्ट करोगे तो आपको पहले चार्ज आप लेंगे और वही कनेक्ट हो पाएगा आपसे। ठीक है, और जो सुपर वैल्यूज हैं उसमें यहाँ पर आपका जो कंटेंट है उसके लिए उनको स्पेशल एक्सेस दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कोई भी आपका वहां पर कंटेंट को देख सकेगा। ये दोनों चीजें आपकी यूज की हैं। और टिप्स आर फीचर जो अलाउ करेगा ट्विटर यूजर्स को टू पे क्रिएटर्स फॉर द कंटेंट, मीन कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बनाया है उनको पेमेंट करने के लिए टिप्स आर फीचर, ये एक टिप्स आर फीचर उन्होंने एक लॉन्च किया। मीन्स वहां पर आप जार सा बना होगा, उसमें टिप आप डाल दोगे और वो रेजर पे की पेमेंट गेटवे के थ्रू होते हुए ट्विटर के पास पैसा जाएगा। ट्विटर आगे इनके कंटेंट क्रिएटर्स को ये पैसा देगा टिकटेड स्पेसेस एंड सुपर फेलोज के थ्रू। ओके, सो ये चीज आपकी की गई है। आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेमेंट वॉलेट्स किसी से भी कर सकते हो। आप स्टडी नीति के मॉक टेस्ट भी किसी चीज से भी खरीद सकते हो, चाहे आपके पास यूपीआई है, चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, पेमेंट वॉलेट है, सभी चीजों से आप स्टडी नीति के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, कोई भी और मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर तक के अवेलेबल है आपके पास, मतलब देखने जो 40, 50, 60, 70 मतलब एक पे एक पेपर के पता नहीं कितने अनगिनत मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप कंटेंट इतना अवेलेबल है, आप करते करते थक जाओगे लेकिन कंटेंट नहीं खत्म होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन फॉर दी हेल्थ केयर सेक्टर टू एक्सटेंड दी लोन सपोर्ट। लोन पैसा, लोन के फॉर्म में पैसा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? बिजनेस लोन, बिजनेस जो पर्पस है उनको दिया जाएगा। लोन अप टू 100 करोड़ रुपीज कैन बी अवेल्ड बाय द एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम, रीपेबल इन 10 ईयर्स। लोन अप टू 100 करोड़ कैन बी अवेल्ड इन मेट्रो सेंटर, 20 करोड़ तक का Tier 1 एंड अर्बन सेंटर, 10 करोड़ तक का Tier 2, Tier 4 सेंटर्स, यहाँ पर Tier 6 सेंटर्स। एंड ये आपका CC लिमिट, TL, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, किसी भी फॉर्म में ये चीज आपकी लोन के फॉर्म में ली जा सकती है। बैंकिंग अवेयरनेस के स्टूडेंट हो तो क्रेडिट कार्ड, कैश क्रेडिट भी पता होगा आपको, टर्म लोन भी पता होगा, बैंक गारंटी भी पता होगा आपको, लेटर ऑफ क्रेडिट भी पता होगा, सब मैं चीज करा चुका हूं। और इसमें जो लोन दिया जाएगा वो 2 करोड़ रुपए तक का लोन फ्री में आपका, फ्री में मतलब किसी भी सिक्योरिटी को आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज पर दी CGTMSC गाइडलाइन। CGTMSC के अंडर इसको कवर किया जाएगा। CGTMSC क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर दी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दैट इज CGTMSC। ये आपकी सरकार की एक इनिशिएटिव है, बहुत पुराना इनिशिएटिव, बहुत साल पहले से चला आ रहा है, बट बार बार इसको चेंजेस थोड़े बहुत किए जा रहे हैं। तो CGTMSC में पहले मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इंक्लूड होती थी, आजकल इसमें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 2 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी होगा, उसकी गारंटी कौन देगा? CGTMSC, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर एजेंसी है। ठीक है, सो दिस इज दी आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च बाय दी SBI, याद रख लेना। ठीक है, MCQ क्लास होगी 10:15 बजे, 10:15 बजे MCQ भी करेंगे। कल जो हमने करंट अफेयर्स करी थी उसके MCQ 10:15 बजे करेंगे। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। द एथोनिया लैब प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यस बैंक टू सपोर्ट द फिनटेक कंपनीज इन इंडिया। ओके, सो दिस इज एथोनिया लैब ने यहाँ पर पार्टनरशिप किया किसके साथ? यस बैंक के साथ। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं उनको यहाँ पर मदद पहुंचाने के लिए एथोनिया लैब ने टाई अप किया यस बैंक के साथ। एग्जाम में यही आएगा, यस बैंक ने किसके साथ किया है यहाँ पर आपका, एंड एथोनिया लैब ने। ठीक है, ओके विजय देशवाल ने अपॉइंट किया मैग्मा फिनकॉर्प ग्रुप सीईओ के। सो मैग्मा फिनकॉर्प अपॉइंट किया विजय देशवाल जी यहाँ पर ग्रुप सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। मई 2021 में पूना वाला ग्रुप ने एक्वायर किया था मेजोरिटी स्टेक ऑफ 60% इन मैग्मा फिनकॉर्प थ्रू इट्स होल्डिंग कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग्स। राइजिंग सन होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर इन्होंने टाइप किया था मई 2021 पूना वाला ग्रुप ने यहाँ पर, और ये है मैग्मा फिनकॉर्प अपॉइंटेड विजय देशवाल। न्यूजीलैंड ने जीता आपका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, याद ही होगा आप सभी को। न्यूजीलैंड ने हरा दिया इंडिया को, यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था, यहाँ पर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ खेला गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज बॉल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया था। न्यूजीलैंड के कायले जेम्सन इनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया एंड इनको ये प्राइज मनी मिली। बेसिकली जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये पहली मैच हुआ था, पहला ये इवेंट हुआ था, पहली बार हुआ था, और इसमें जो फाइनल की जो दो टीमें थी उनको किस तरह से फाइनलाइज किया गया था। लास्ट दो सालों से 2019 और 2021 में 27 ऐसी सीरीज हुई थी, टेस्ट मैचेस की सीरीज हुई थी, 71 टेस्ट मैचेस खेले गए थे जिसमें 9 टीम्स ने क्रिकेट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जिनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपकी टॉप 2 टीम्स को इंडिया न्यूजीलैंड टीम को यहाँ पर फाइनल में जगह बनाई, और जिन्होंने आपस में यहाँ पर गेम ये फिनाले हुआ और उसमें न्यूजीलैंड ने यहाँ पर जीता। और न्यूजीलैंड इसके साथ पहली बार उसने किसी भी तरह के इस तरह के आईसीसी ट्रॉफी जो एक बड़ी ट्रॉफी मानी जाती है वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल लेवल की, उसको जीता है न्यूजीलैंड ने। हाईएस्ट रन स्कोरर इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि 2019 से 21 के बीच में जितने भी मैचेस हुए उसमें सबसे ज्यादा जो रन बनाए वो ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबशेंज ने बनाए यहाँ पर 1,675 रन। विकेट टेकर आपके इंडिया के रविचंद्र अश्विन थे 71, और इसके अलावा आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग अनुसार इंडिया के रविंद्र जडेजा वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में बने हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। न्यू ह्यूमन स्पीसीज डिस्कवर्ड इन इजराइल। इजराइल में यहां पर इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ, रुको जरा सब्र करो, डिस्काउंट कोड भी बना देंगे, रुको जो सही, सांस तो लो, पानी तो पी लो। An international group of archaeologists have discovered new human species in Israel, which is being considered as missing piece in the history of human evolution. Excavation were done at Israeli site of the Nishar Ramla. It is expected that they lived about 420 to 12000 years ago. Okay, so यहाँ पर कहाँ पर पाया गया पूछेंगे, इजराइल में यहाँ पर यह पाया गया है। सबसे पुराना आपका ये न्यू ह्यूमन स्पीसीज, सबसे पुराना नहीं कहूँगा, न्यू ह्यूमन स्पीसीज यहाँ पर इजराइल में निशार रमला नाम की जगह पर ये आपका नई ह्यूमन स्पीसीज के अवशेष पाए गए हैं। फॉर्मर फिलिपिन प्रेसिडेंट बेनिग्नो इक्विनो पास्ड अवे। ओके, कौन? बेनिग्नो इक्विनो, इनका निधन हो गया हाल ही में। फॉर्मर फिलिपिन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 15वें प्रेसिडेंट थे, 2010 से 2016 के बीच में प्रेसिडेंट थे। इनको नोए एंड दी नॉन नोए कहा जाता था एंड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी शामिल किया गया था 2013 में टाइम्स मैगजीन में। ओके, यही हुआ खात्मा आज का। अब आपको बता दूं, जिसको जानना है, देखो मेरे बंधु, देखो मेरे प्यारे, बात ऐसी है कुछ कि हम ज़्यादा तो बात करते नहीं हैं, हम सीधा ठोक के बात करते हैं। और ऐसा है कि आपको studyneeti.com पे जाना है, यहाँ पर मोक सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। मोक सब्सक्रिप्शन पे जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा अटक भी सकता है बीच में, बट पता नहीं अटका क्यों है, अटका क्यों नहीं है, कारण इसका मुझे भी नहीं पता है, बट हो सकता है आपका भी अटक जाए, बट मोक देते वक्त नहीं अटकेगा। कई बार नेट का इश्यू मेरे एंड पे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखो साफ सुथरा सामने आ गया, 500 रुपए मिलता है। देखो मेरे को मेरी कंपनी वालों ने 4 सितंबर तक का दिया हुआ है, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, तुम आज की डेट में अगर खरीद लोगे, आज है 28 जून, तो अगले साल 27 जून तक ये आपको वैलिडिटी यहाँ पर दिखाएगा। आपको लगाना है यहाँ पर बाय नाउ का क्लिक, बाय नाउ पे जैसे भी क्लिक करोगे आपको पहुंच जाएगा। तो स्टडी नीति बैंकिंग इंश्योरेंस स्पेशल पैकेज जितने होम पेज पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है सारा का सारा आपको मिलेगा, ठीक है, सब मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई डिस्काउंट कोड इसका नहीं है, इसका कोई डिस्काउंट कोड नहीं है। डिस्काउंट कोड इसका यार 500 रुपये में और के बच्चे की जान लोगे, इतना कुछ तो दे रहे हैं आपको। प्री मेज पिछले साल के जो मॉक टेस्ट है वो भी दे रहे हैं, और अगर अभी तक नहीं खरीदा, जिन्होंने खरीद चुके हैं उनके लिए तो आरबी क्लर्क की क्रैकर क्विज सीरीज फ्री में मिल चुकी होगी उनको। ये क्रैकर क्विज सीरीज जिन्होंने नहीं खरीदा तो खरीद लेना, उनको ये फ्री मिल जाएगी। अगर बुधवार कल रात के बाद खरीदोगे, बुधवार को खरीदोगे, क्योंकि ये बुधवार से शुरू हो रहा है, खरीदोगे तो फिर आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आपको जस्ट ये शेड्यूल देख लेना, ये पूरा शानदार बढ़िया तरीके से वेल डिजाइंड कोर्स है आपका, क्विज फॉर्मेट में टाइमर के साथ। ये एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ इस 500 रुपये में, नहीं तो दुनिया तो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ही देती है, ठीक है। ओके, सो ये चीज है, फटाफट से दबादब से 15 मिनट में आ जाना। दर्शन देने हैं, कहाँ पर देने हैं, एमसीक्यू क्लास में, जो कि रहेगी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे। नहीं मिलती मेरी क्लास तो जाओ मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर, वहां पर जाकर अपना सिर फोड़ो, हाथ फोड़ो, उंगली फोड़ो, मुझे कुछ नहीं लेना देना, बट वहां पर आपको मेरी क्लास दिख जाएगी। 10:15 बजे वो क्लास शुरू हो जाएगी और वहां पर हम बढ़िया तरीके के एमसीक्यू करेंगे, जो अभी हमने क्लास की है। ठीक है, जो अभी हमने क्लास की है उसी के एमसीक्यूज होंगे। ऐसा अगर आप समझ रहे हो तो आप बहुत बड़े वहम में जी रहे हो। इतना बुरा मैं नहीं हूं कि इतना मैं बिल्कुल निर्दयी नहीं हूं कि अभी जो क्लास ली उसी के एमसीक्यू लूंगा। एमसीक्यूज मैं लूंगा बट जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो ये मॉक सब्सक्रिप्शन ले लेना। बहुत ही शानदार, बढ़िया, जानदार मॉक टेस्ट सीरीज है। आप बड़े बड़े नामी नामी लोगों के पीछे भागते हो, एक बार ये भी ट्राई करके देख लेना, आप नामी लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत, एंड बने रहो, टिके रहो, देखते रहो कपिल खाटपाल शो, रोज इसी चैनल पे। वक्त की कोई सीमा नहीं है, पता नहीं कब भी हम क्लास ले लेते हैं। ठीक है, बट रात को अभी एमसीक्यू क्लास जरूर होगी, आ जाओ, मुलाकात करो। नहीं आओगे तो मैं क्या कर लूँगा, मैं कुछ उखाड़ तो सकता नहीं। नहीं आओगे तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, आ जाओगे तब भी मैं कुछ नहीं करूँगा, है ना। आपको अपनी मर्जी से आना है, एग्जाम क्लियर करना है तो आना है ना। कौन सा एग्जाम क्लियर करने में कौन सा मुझे तो आप लोगों ने पूछना है ना। एग्जाम क्लियर करने वाला तुम भी मुझे नहीं पूछोगे, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ब्रांच में मेरी ये ब्रांच में पोस्टिंग मिल जाएगी, तुम उस कोने में बैठे होगे, मैं उस कोने में बैठा होगा। मुझे क्या पता, तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो, है ना। मुझे पता हो मेरे स्टूडेंट रहे, फिर तो मैं तुम्हें बोलो अच्छा, नहीं तुम तो उधर चुपचाप बैठे रहोगे, है ना। नहीं तो तुम्हें ऐसे डर लगेगा, कपिल सर हाँ, कपिल सर ये, कपिल सर वो, कपिल सर ये काम करा देंगे हमसे, वो काम करा देंगे, है ना। होता है ऐसा, डोंट वरी।